अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आपका भाई एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट कैटलॉग ऑन अपवर्क। हमने अपवर्क पर अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग किस तरह बनाना है, ये बिल्कुल इस तरह है जैसे हमने फाइवर पर गिग बनाई थी। बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे, वही सब कुछ पूछा जाएगा। ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ स्टेप कोई आगे नहीं पीछे होंगे, बाकी सब कुछ वही चलेगा हमारे साथ। तो चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग किस तरह बनाना है। यहां सबसे पहले ब्राउजर में हम अपवर्क को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी यहां पर प्रोफाइल आ जाएगी। अब यहां पर आप देखिए, यहां फाइंड वर्क के नीचे माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है, तो यहां पर लिखा है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक प्रोजेक्ट बना सकेंगे। तो मैं आपको कुछ अपना बना बनाया दिखा देता हूं। जैसे ये मैंने बनाया था, ये अभी रिव्यू में है, तो मैं आपको इस पे ही समझाता हूं जरा। सबसे पहला जो हमने फाइवर में किया था टाइटल, अब हम अपवर्क में भी सबसे पहले करेंगे टाइटल सेलेक्ट। यहाँ हमने ना अपना टाइटल सेलेक्ट कर लिया, और फिर भी आपको टाइटल अपना यूनिक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो आपको ये टाइटल बहुत यूनिक रखना पड़ेगा। उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, कॉम्पिटिशन उसका लो हो, और आपको ऑर्डर मिले। जैसे ये मैंने एक बना लिखा है पब्लिश हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट DA88 विद कॉन्टेक्चुअल बैक लिंक्स। अब मैं पहले यूज करता था गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट में बहुत सी पोस्ट होती हैं, हेल्थ के रिलेटेड होती हैं, फैशन, बहुत सारा इसमें बहुत कैटेगरी इसके अंदर है। तो मैंने एक को स्पेसिफिक रख लिख के मैंने हेल्थ और फिटनेस को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पर मेरा चांस हो जाएगा कि मैं रैंक जल्दी कर जाऊँ। तो इस तरह का आपने अच्छा से एक टाइटल मुंतखब कर लेना है। तो दूसरा सेकंड नंबर पे कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी मेरी डिजिटल मार्केटिंग में गेस्ट पोस्टिंग आती है, तो आपकी जो भी है, आप ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, जो भी है, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल फाइबर की तरह ही है, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी आपके रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, आपकी नीच के रिलेटेड, अगर कोई वेबसाइट डेवलपर, लोगो डिज़ाइनर, आर्ट है, डिज़ाइन कुछ करता है, जैसे यहाँ पर आर्ट डिज़ाइन का है, ट्रांसपोर्ट, फिनांस, आप के नीच के रिलेटेड जो भी है, आप वहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लैंग्वेज जो आपने रखना चाहिए रख ली, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है तो इंग्लिश नहीं। नीचे टैग्स, अब फाइबर पर गिग बनाते हुए हमने भी टैग लगाए थे, अब यहाँ पर भी हम भी टैग्स लगाएंगे। तो आपने ये टैग्स फाइंड कैसे करने हैं, तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने जाना है अपने डैशबोर्ड में, जहाँ पर आप जॉब सर्च करते हैं, वहाँ जॉब के नीचे जाके अपने टैलेंट पर सेलेक्ट करके वहाँ पर अपने नीश रिलेटेड लोगों को ढूंढना है। लोगों को ढूंढने के आप उसके जो उसका प्रोजेक्ट बना होगा, आपने वहाँ पर उसके टैग्स अच्छी तरह पढ़ने और अच्छे से फाइंड करने, टैग कौन से अच्छे होंगे। मैंने पहले फाइंड करके रख लिए हुए, मैंने बना लिए ये 5 आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अथॉरिटी बैकलिंक्स, एसईओ बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट, हेल्थ एंड फिटनेस। अब मैं यहाँ पर सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट प्राइसिंग वाला सेशन है, बिल्कुल फाइवर की तरह है। 3 हमें पैकेज देंगे, बेसिक, सिल्वर, गोल्ड, जैसे स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस, मैंने इनके नाम रखे हैं बेसिक, सिल्वर और गोल्ड। अब जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें उस पैकेज में शामिल होंगी, वो मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ी छोटी सी करके लिख ली है, आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो नीचे यहाँ पर हम डिलीवरी टाइम, आप स्टार्टर के लिए कितना वक्त लेंगे, मैंने 1 दिन रख लिया, स्टैंडर्ड के लिए 2 दिन और एडवांस के लिए 4 दिन, आप अपनी नीच रिलेटेड कर लें। आगे जो भी आपके नीच के रिलेटेड आता है, जैसे मेरे पास नंबर ऑफ डिवीजन आ रहा है, नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड, ये क्योंकि ये मेरे नीच के रिलेटेड, इसलिए अपवर्क ने मुझे ये सजेस्ट की है। अब यहाँ सर्वर स्टार ऑप्शंस, आप ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जैसे ये मैं इमेज पोस्ट कर सकता हूँ, पोस्ट सबमिशन अलग से एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और नीचे आपने प्राइस अपनी
सिलेक्ट कर लेनी जितने भी डॉलर आपने करने होंगे, जैसे मार्केट प्लेस में जो आपके दूसरे कंपटीटर कर रहे हैं आप उससे थोड़ा सा कम ही रखें ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांस ज़्यादा हो जाए। अब फास्ट डिलीवरी, अब बिल्कुल फाइवर की तरह हम भी फास्ट डिलीवरी जैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड और एडवांस है, स्टार्टर है नहीं क्योंकि वो था ही एक दिन का, तो आप फास्ट डिलीवरी के लिए कितने चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा एडवांस जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई एडिशनल आप जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे डॉलर लिखा आ जाएगा कि आपने इस काम के लिए कितने एक्स्ट्रा डॉलर चार्ज करने, लेकिन मैं इसको नहीं दे रहा इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आपने अगर लगाना हो तो लगा देना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यहाँ से सेलेक्ट करें और अपने डॉलर लिख लें और बाद में सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमारी गैलरी की बात आ जाती है। अब यहाँ पर हमने अपनी इमेज लगानी है, प्रोजेक्ट की जो इमेज होती है वो हमने लगानी है और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उस पर उसी वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक्स आएंगे तभी हमें ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज हमें ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब इसका साइज़ काफ़ी मुश्किल से एडजस्ट होता है, 1000 विड्थ और 750 आई थिंक लेंथ होती है इसकी। इसका यहाँ पर आप जब नहीं बनाएंगे कि यहाँ आपको उसका साइज़ बता देगा, तो वो मे बी कि आपके डेस्कटॉप में वो साइज़ एडजस्ट ना हो रहा हो, तो आपने सिंपली करना क्या कि आपने मोबाइल पर पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर जाकर आपने इसे वहाँ पर अपलोड करके उस वहाँ पर थ्री डॉट पर जाकर उसका साइज़ होता है, उसका साइज़ में जाके आप वहाँ पर साइज़ लिखें, वो उसके मुताबिक आपको बना के दे देगा। मैं भी ऐसे करता हूँ, जब मुझसे कोई ये इमेज का साइज सेलेक्ट नहीं होता तो मैं भी मोबाइल से ही कर लेता हूँ। पिक्सल ऐप काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप वैसे ये भी पिक्सल ऐप आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं कैनवा पर डाउनलोड कर दूँ, अगर आपने मैं आपको इसका एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कैनवा में ये किस तरह डिज़ाइन करना है। अगर आपने कोई वीडियो लगानी है वो लगा सकते हैं, कोई पीडीएफ अटैच करनी है तो वो भी लगा सकते हैं आप। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब हमसे वो रिक्वायरमेंट पूछेगा कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आप मतलब आप कोई वेबसाइट डिवेलपर हैं तो आपको अपने क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस बारे में आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, कितने किस तरह का डिज़ाइन हो चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया मुझे यूरल चाहिए, ब्लॉग आपके पोस्ट चाहिए, आपके कीवर्ड्स चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, तो यहाँ पर आप अपना लेकर अपना सेव कर लेना और जहाँ सेव एज़ कंटिन्यू में क्लिक कर लेना। अब आगे हमारा डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल फाइवर की तरह यहाँ पर हम भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और काफ़ी अच्छी लिखनी पड़ेगी हमें, जैसे ये मैंने लिख ली है। आप चैट जीपीटी से यूज़ करके आप इजीली अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। आपने अच्छी से डिस्क्रिप्शन लिखनी है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लिखनी है ताकि कोई भी क्लाइंट आए आपकी ये डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो उससे अपना हल यहाँ पर मिल जाए, आपने इस तरह बनानी है। अब इसमें एक स्टेप फाइवर से अलग है, वो है प्रोजेक्ट स्टेप्स। अब यहाँ पर हमें स्टेप्स बतानेंगे कि हम किस किस तरह कौन कौन से स्टेप के थ्रू आपका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। मेरे रिलेटेड जो भी है मैंने अपने बारे में लिख लिया, तो आप अपने स्टेप्स चेक कर सकते हैं अपने कंपटीटर को कंपेयर कर कि वो उन्होंने किस तरह के स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख के अपने एक स्टेप को बना सकते हैं। एटलीस्ट एक स्टेप तो आपको बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको आगे जाने नहीं देगा। मैंने यहाँ पर 2-3 बना रखे हैं, तो आप भी इस तरह अपने कंपटीटर को देखकर अपना बना लें। अब आगे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे जैसे हमने फाइवर में बनाए थे। अब यहाँ पर मैंने अपने 3-4 सवाल ऐड कर लिए, उसके साथ आंसर्स भी लिख लिए, ये भी आप अपने कंपटीटर के प्रोजेक्ट से आप इजीली देख सकते हैं। कम से कम 3-4 आपने लाजमी लिखने, ये होते इसलिए क्योंकि अगर कोई क्लाइंट से कोई सवाल पूछता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल मुझसे पूछ सकता है, तो आप बस यहाँ पर उसका सवाल लिखें, उसका जवाब दे दें, बस यहीं पर वो यहीं से आपको उसका जवाब उसको मिल जाएगा। अब ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा ये रिव्यू में है, अब हम कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं,
फिर यहाँ पर हमने नीचे सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये दोनों टर्म को अप्लाई कर हमने सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब फाइवर में होता ये था कि हम जैसे ही अपनी गिग बना के तैयार कर लेते थे तो वो विद इन सेकेंड मिनट में वो अप्रूव हो जाती थी और पब्लिश हो जाती थी। अब इसमें कम से कम जो अपवर्क है वो आपकी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है उसे देखेगा, कम से कम ये 5 दिन का प्रोसेस होगा। 5 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग आपका बिल्कुल ठीक हुआ तो वो आपको अप्रूव करेगा, अदरवाइज वो इसे रिजेक्ट कर देगा। मेरा जैसे यहाँ पर मैंने एक अप्रूव मेरा हुआ है तो ये करीबन इसे 3-4 दिन लगे थे इसे अप्रूव होने में। तो अब मैंने ये जैसे बना लिए, ये मैंने 2 दिन पहले बनाया था तो अभी 2 दिन में ये इंशाल्लाह जरूर ये सिलेक्ट अप्रूव्ड हो जाएगा और यहाँ पर अप्रूव्ड की लिस्ट में आ जाएगा। तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक है, आपने किस तरह प्रोजेक्ट कैटलॉग को बनाना है। तो आप रैंकिंग अगर आपको चाहिए तो आपने अपना टाइटल यूनिक रखना है, वो टाइटल जिसमें कंपटीशन लो हो और उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो आपको पहले सर्चिंग करनी पड़ेगी कौन सा कीवर्ड हम कि कौन से कीवर्ड पर हम रैंक कर सकते हैं, कौन सा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम में आ रहा है, कौन सा ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा तो तभी आप रैंक कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पर आप अपना अप्लाई करें, कोई तो कोई ना कोई आपका ना रैंक होगा ही होगा। तो ये थी आज के हमारे वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं आपको बताऊंगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।